कई क्या करते हैं, 2 बजे उठेंगे, योग करेंगे, फिर नींद आई, फिर सो जाएंगे। आपने ओवर टाइम किया लेकिन ड्यूटी में गए नहीं, क्या कमाया? कुछ नहीं कमाया। इसीलिए किसने कहा कि आपको 2 बजे उठो? इसीलिए आराम से आपकी जो असली ड्यूटी है, असली ड्यूटी हमारी है 4:15 से लेकर के 4:45, उस समय अलर्ट होकर के बैठना। जरूरी नहीं कि आप 2 बजे उठो, क्योंकि हर एक की नींद का स्टॉक रहता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी, कई क्या करेंगे, अलार्म लगा करके उठेंगे, वहां से तो उठेंगे, बाबा के कमरे में आकर के फिर सो जाएंगे। नींद क्यों पूरी नहीं होती? नींद न होने का कारण है सारा दिन निगेटिव विचार। जो निगेटिव सोचता है, व्यर्थ सोचता है, दूसरे के पर चिंतन करता है, उसको अमृत वाला नींद आएगी, क्योंकि सारा दिन निगेटिव सोचने से आत्मा थकी हुई है। जिसको रात को सोते समय स्वप्न ज्यादा चलते हैं, स्वप्न चलते हैं, उसकी भी नींद पूरी नहीं होगी। स्वप्न क्यों चले? क्योंकि रात को सोते समय बाबा की याद में नहीं सोए। अमृत वेला अच्छी करने के लिए रात को सोने से पहले क्या करो, आधा घंटा 20 मिनट योग करो, फिर सो जाओ। लेकिन कैसे सोते हैं, बिस्तर डाल देंगे, बाबा को कहेंगे बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए, अभी मुझे नींद आ रहा है, अमृत वाला पता नहीं क्या होगा, बाबा आप जरूर जगा देना। और फिर कहेंगे बर्तन मांझना है, फिर ये करना है, इसने ऐसा बोला वैसा बोला, ये सारी बातें याद करते करते सो जाएंगे। तो बाबा तो ओबेडिएंट सर्वेंट है, वो सवेरे अमृत वाला आपको जगाता है। जगाने में घड़ी की तरफ नजर जाएंगी, कहेंगे अभी तो 4:05 कम है, थोड़ा 5 मिनट सो जाते हैं। 5 मिनट के लिए गए, 5 बजे का पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, कई उठ भी जाएंगे जबरदस्ती, योग करने के बजाय नमाज पढ़ते रहे, जैसे नमाज में ऊपर करता है फिर नीचे करता है, मोती चुभ रहे जैसे। इसीलिए ये क्यों हो गया, क्योंकि रात को सोने के पहले आपने ऐसा विचार किया। इसलिए अलर्ट होकर के बैठना, एक्टिव होकर के बैठना। योग में नींद नहीं करना है। इसलिए रात को सोने के पहले थोड़ा सा योग करके बाबा को समाचार सुना करके, जैसे कल मैंने बताया कि गाड़ी को गैरेज में लगा दो और सोने के लिए कहां जाओ, अपने घर में बाबा के पास जाओ, बाबा को समाचार सुना करके बाबा के गोदी में सो जाओ।